मेरे ऊपर हमला हुआ है और कोई ये जानबूझ के कर रहा है। मैंने उसका चेहरा देखा और ऐसा लगा जैसे मैं उसे जानता हूं। पुत्र जी, अगर तूने पहले से ये चेहरा देखा हुआ है तो हमको बताओ वो कौन है। याद कर बेटा। मुझे नहीं याद आ रहा। इससे पहले मैं समझने की कोशिश करता, एक हाथ मेरे पीछे से आया, मेरा मुंह दबाया, मुझे बेहोश कर दिया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई एक आदमी ने तेरे पे हमला किया, चाकू से मारना चाहा तेरे को, लेकिन इन वक्त पे तेरे को बेहोश छोड़ के चला गया। ऐसे कैसे? मुझे नहीं याद है। और उस आदमी ने मुझे बेहोश नहीं किया, वो तो मेरे पैरों के नीचे था। एक हाथ आया पीछे से, उसके हाथ में रुमाल था, उसने मेरे मुंह पर दबाया, मैं बेहोश हो गया और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। देखिए पापा जी, इसने भी वही टाइप के कंगन पहने हैं जैसे मैंने पहने, इसके भी वही चोट लगी है जहां मेरी लगी है। पापा जी, मैं तो कल रात में दवाइयां देने गई थी राजवीर को, तब अचानक से इसने मेरा हाथ पकड़ लिया था और फिर चूड़ी टूटने की वजह से ये मुझे लगी है। राजवीर, तुझे तो याद है ना? मुझे ध्यान नहीं है। देखो पापा जी, इसके पास कोई सबूत नहीं है। मेरे पास तो सबूत भी है, पूछ लीजिए अरविंदर से। हाँ डैडी जी, मैंने देखा था रात को इसके हाथ पे चोट लगी हुई थी ये कंगन की वजह से, और तेरे बेओ का कोर्ट लगा इधर जो गवाही देने बैठा है। चुप करके बैठ तू। तू तब बोल जब तेरे को मैं पूछूंगी। बोल, चुप करके बैठ। तू बता, तू सच बोल रही है? बाबा जी की कसम, मैं सच बोल रही हूँ। पापा जी, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। पापा जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? राजवीर मेरा पति है, मैं ऐसा क्यों करूंगी उसके साथ? तू झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे पास गवाह भी है, मेरे पास सबूत है, पूछो इसे। बस, सबूत है नहीं है, मैं कोई नया झगड़ा नहीं चाहता इस घर के अंदर। मेरा एक सवाल है। एक मिनट, इस बात का क्या सबूत है कि इसके ऊपर हमला हुआ था? डॉक्टर ने बोला था ना कि इसको वहम हो रहा है, तो अभी क्या गारंटी है कि इसको वहम नहीं हो रहा? कोई लड़ेगा इधर? घर के अंदर चलो, चलो पागल हो गए तुम लोग क्या? मुझे वहम नहीं हुआ है, जिसने मुझे बेहोश किया वो एक औरत थी। अजूनी सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।